Now we will start with the double effects of adjustments. पहला जो adjustment है, partners share profits and losses in the ratio of their capitals. तो ये जो adjustment है, ये adjustment आपको सिर्फ ये capital account के जो trial balance में figures दिए हैं, इसका आपको सिर्फ ratio calculate करने के लिए दिया है. तो ये जो first adjustment है, इसके कोई भी दो effects देना नहीं है. First adjustment, this is only information just to calculate the profit sharing ratio of the partners. पहला जो adjustment है, partners share profits and losses in the ratio of their capitals. तो trial balance में ये जो capital account के जो figures दिए, इसका आपको ratio calculate करना है. And वो ratio हमने यहाँ पे bracket में लिखा है 3:2. तो first adjustment, इसके कोई भी दो effects नहीं है. This is only information. तो you have to start with the second adjustment. Closing stock value at cost price 40,000, market price 45,000. तो closing stock का पहला effect. Trading account credit side. Trading account में लिखते समय आपको sales के नीचे एक 4 lines blank रखना है. Trading account credit side, you have to leave 4 lines blank below the sales. And then you write the word buy closing stock. दो prices दिए, cost price 40,000, market price है 45,000. तो sum solve करते समय तुम्हें lesser price का effect देना है. तो इसमें less price जो है, less price है 40,000. Closing stock, cost price 40,000, market price 45,000. तो less price जो है, less price है 40,000, इसका effect दिया trading account credit side. इसका second effect देना है, इसका second effect balance sheet asset side. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड 40,000. थर्ड एडजस्टमेंट, कुंभार इज विड्रॉन गुड्स वर्थ रुपीज 1200 फॉर हिज ओन यूज बट नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स. ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है, इसका मीनिंग है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज. थर्ड एडजस्टमेंट, कुंभार हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज 1200 फॉर हिज ओन यूज. सो दिस इज द एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज. इसके दो इफेक्ट देना है. एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय गुड्स विड्रॉन, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स विड्रॉन 1200. इसका दूसरा इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट आपको देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुड्स विड्रॉन. अमाउंट कुंभार के कॉलम में लिखना है. अमाउंट जो है, अमाउंट आपको कुंभार के कॉलम में लिखना है 1200. तो थर्ड एडजस्टमेंट है, कुंभार हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज 1200 फॉर हिज ओन यूज. तो फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट मैंने दिया है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स विड्रॉन. अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना है तो यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट. ये जो अमाउंट है गुड्स विड्रॉन 1200, ये आप परचेसेस में से माइनस कर सकते हो. अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना है बाय गुड्स विड्रॉन, तो इन दैट केस आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है. ये जो अमाउंट है गुड्स विड्रॉन 1200, ये परचेसेस में से माइनस किया तो भी चलता है. तो आइदर आइदर यू राइट इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और यू कैन सब्ट्रैक्ट द अमाउंट फ्रॉम द परचेसेस. तुम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख सकते हो और यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द परचेसेस. फोर्थ एडजस्टमेंट, अनइंश्योर्ड गुड्स रुपीज 12,000 लॉस्ट बाय फायर. तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसके दो इफेक्ट्स. एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट by goods destroyed, adjustment है uninsured goods destroyed by fire. तो goods destroyed by fire, इसका पहला इफेक्ट trading account credit side by goods destroyed 12,000. and इसका second इफेक्ट, इसका second इफेक्ट है profit and loss account debit side, profit and loss debit side to loss by fire.
12,000 uninsured goods lost by fire. First effect, trading account credit. Buy goods destroyed. Second effect, profit loss debit. Fifth adjustment, ₹450 are to be written off as bad debts. ₹450 are to be written off as bad debts. तो bad debts का पहला effect, balance sheet asset side subtract from debtors. बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में से माइनस करना है बैड डेट्स. अमाउंट है 450. ₹450 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स. तो बैड डेट्स का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट आएगा 39,550. बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट, बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो बैड डेट्स लिखा है इसमें आपको ऐड करना है प्लस एडिशनल बैड डेट्स. प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के अंदर आपको ऐड करना है. ऐड करते समय आपको लिखना है वर्ड एडिशनल बैड डेट्स 450. आउटसाइड कॉलम में टोटल आएगा 3,450. तो 450 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स. इसके दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स में से माइनस किया है, एंड ये बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो बैड डेट्स लिखा हुआ है इसके अंदर ऐड किया है एडिशनल बैड डेट्स. सिक्स एडजस्टमेंट, अनपेड एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस ₹800. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो सैलरी एंड वेजेस लिखा है इसके अंदर आपको ऐड करना है. ऐड करते समय आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग. अनपेड, अनपेड का मीनिंग क्या है? अनपेड का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग. तो अनपेड एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस 800. तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सैलरी एंड वेजेस के अंदर ऐड करना है 800. टोटल अमाउंट आएगा आउटसाइड कॉलम में 5,000. ये 800 रुपीस का, 800 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट देना है. इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करके लिखना है सैलरी एंड वेजेस 800. अनपेड एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस 800. रेंट ₹1,200. ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ऑफ रेंट इज नॉट गिवन. ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट का अमाउंट दिया नहीं है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे सेपरेटली लिखना है टू रेंट. ट्रायल बैलेंस में रेंट का अमाउंट दिया नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट साइड पे सेपरेट लिखना है टू रेंट 1200. और इसका दूसरा इफेक्ट देना है रेंट का जो अमाउंट है इसका दूसरा इफेक्ट देना है अगेन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा हुआ है नीचे से आपको लिखना है रेंट 1200. एडजस्टमेंट द अनपेड एक्सपेंस सैलरी एंड वेजेस 800. तो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी एंड वेजेस के अंदर ऐड किया है आउटस्टैंडिंग 800. 800 का सेकेंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. अनपेड एक्सपेंसेस रेंट ₹1,200. तो रेंट के दो इफेक्ट दिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है टू रेंट 1200 एंड सेकेंड इफेक्ट दिया इसका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट. लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 7.5% पर एनम. तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बिल्डिंग. बैलेंस शीट में बिल्डिंग में से आपको माइनस करना 7.5% डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएट बिल्डिंग 7.5%. बिल्डिंग का जो अमाउंट है, बिल्डिंग का अमाउंट है 50,000. तो 50,000 पे आपको कैलकुलेट करना है 7.5%. 50,000 पे 7.5%. तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 3,750. माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 46,250. बिल्डिंग का बैलेंस शीट में आउटसाइड कॉलम में अमाउंट आएगा
46,250। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट देना है, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके लिखना है बिल्डिंग 3,750।